तरह का सीजन नावल सीजन किया गया है। देखिए ये आसपा बाग का जो है ये रेलवे क्रॉसिंग है जिसको इसकी क्रॉसिंग संख्या 62 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली कानपुर हावड़ा मार्ग पर पड़ता है। ये बहुत ही व्यस्त रेलवे फाटक था, आप सब लोग जानते हैं। दिन भर में ये मुश्किल से खुलता था, नहीं हमेशा बंद रहता था। और लगभग 35 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है जो माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी की असीम अनुकंपा से हम लोगों को ये कार्य करने का मौका मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अब काफ़ी आगे की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिसंबर तक पूरी उम्मीद है हम इसे चालू कर लेंगे। कोविड आने के बावजूद भी इस काम के तेज़ी को हम लोगों ने कोशिश करी है कि रुके नहीं। आज रेलवे विभाग के माध्यम से ब्लॉक लेकर यहाँ पर 5 बड़े गार्डर चढ़ाई जा रही हैं। ये गार्डर 70 टन की क्षमता के हैं, 30 मीटर लंबे हैं और ये 5 गार्डर हैं। इसके ऊपर रेलवे पार्क में 12.5 मीटर की सड़क की चौड़ाई बनेगी और 3 घंटे का हमको रेलवे का हॉल्ट मिला है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये गार्डर चढ़ जाए। इस पुल से जो सड़क उतरेगी इधर की ओर और इधर की ओर, वो ब्रिज कॉरपोरेशन जो कॉरपोरेशन है उत्तर प्रदेश का, उसके माध्यम से बनवाई जा रही है। वो 350 मीटर की है, उसकी चौड़ाई 7.5 मीटर रहेगी। दोनों ओर के तरफ आने जाने वाले लाखों लोगों को ग्रामीण क्षेत्र फैजाबाद के नगरी क्षेत्र में ये बहुत, जैसे कहते हैं ना सेतु का काम क्या होता है, दूरियां कम करना, तो ये सेतु अपने आप में दूरियां कम करने का काम करेगा। रेलवे की तरफ से कानपुर से अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, सब लोग मिलकर इस काम को आप देख रहे हैं। गर्मी सर्दी किसी की परवाह नहीं कर रहे सब लोग, तब की दोपहर में भी ये काम चल रहा है। 3रा गार्डर चढ़ चुका है, 400 टन की क्षमता की ये ट्रेन है, ये खास विशिष्ट कामों के लिए लाई जाती है और बहुत ही कुशलता के साथ ये काम हम लोग आने वाले दिसंबर तक पूरा करा देंगे, जिससे लाखों की संख्या के लोगों को। राजी कब से प्रयास रखते इस कार्य के लिए? ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो इसका पूजन हो गया, काम हो गया, अब तो ये अंतिम चरण में है। सालों से लगे रहेंगे, लेकिन जब काम हो तभी अच्छा होता है।